जबलपुर जिला अस्पताल विक्टोरिया में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। यहाँ मरीजों को इलाज के लिए खासा परेशान होना पड़ता है। इतना ही नहीं, ओपीडी में पर्ची बनवाने को लेकर भी लाइन में घंटों खड़े होना पड़ता है। इसके साथ ही अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और डॉक्यूमेंट के नाम पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इन सभी अव्यवस्थाओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में परिजनों से पर्ची बनवाने के नाम पर 10 रूपये की राशि ली जाती है, जबकि ये पूरा निःशुल्क है और उनसे जरूरी डॉक्यूमेंट के नाम पर जिम्मेदार अधिकारी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मरीज और उनके परिजन घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, तो वहीं मामले को लेकर जब अधिकारियों से बात की जाती है तो अभद्र व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे मैंने ये देखा कि जो पर्ची बनाते हैं, क्योंकि निःशुल्क होना चाहिए, 60 साल के ऊपर वालों के पास ये रहती नहीं है, उनका नेचर इतना गंदा है, पर्ची बनाते नहीं, आधार कार्ड ले आओ, आयुष्मान कार्ड ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, जबकि 10 रुपये लेते हैं वो, और 10 रुपये लेने का भी काम निःशुल्क बनती है पर्ची, निःशुल्क। जिला अस्पताल का क्या मतलब है, ना कोई अधिकारी देखने आता, ना अधिकारी के पास जाते हैं, तो मरीज लोग तो उनको डांट के भगा दिया जाता है, जाओ आप वहाँ उतने नंबर में जाओ, इतने नंबर में जाओ, ये उनका हाल है।